दोस्तों, एयर इंडिया कंपनी के नाम से हम सब अच्छे से वाकिफ है। एयर इंडिया को किसी समय टाटा ने शुरू किया था, जो आगे चलकर एक सरकारी एयरलाइन कंपनी बन गई। करीब 68 साल बाद एयर इंडिया की वापसी टाटा ग्रुप में हो गई है। सरकार ने कुछ फाइनेंशियल तौर पर कुछ ठीक नहीं होने के चलते एयर इंडिया को वापस बेच दिया, जहाँ टाटा ने इसे खरीदने के लिए सबसे ज्यादा 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। दोस्तों, जिस एयर इंडिया के बारे में आज हम जानते हैं, उसका असली नाम टाटा एयरलाइन हुआ करता था। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले है एयर इंडिया के हिस्ट्री के बारे में। इस कंपनी के शुरुआत से लेकर सरकारी कंपनी बनने तक इसके सफर की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एयर इंडिया के जन्म की। तो एयर इंडिया की शुरुआत अप्रैल 1932 में की गई थी। एयर इंडिया की स्थापना उद्योगपति जेआरडी टाटा के द्वारा की गई थी, और इस कारण इस कंपनी का नाम भी एयर इंडिया नहीं बल्कि टाटा एयरलाइंस था। हालांकि जेआरडी टाटा ने पहली बार एरोप्लेन को उड़ाया था, तब उनकी उम्र मात्र 15 साल ही थी, और यह समय साल 1919 का था, जिसे बाद में टाटा ने पायलट का लाइसेंस भी दिया। उन्होंने तभी एयरलाइन के क्षेत्र में काम करने का मन बनाया था। एयर इंडिया की पहली व्यावसायिक उड़ान 15 अक्टूबर को रही थी। इस दौरान टाटा एयरलाइन के पास सिंगल इंजन हैवीलेट हवाई जहाज था, और इस जहाज ने अहमदाबाद से कराची और फिर यहाँ से मुंबई की यात्रा की थी। लेकिन आपको यह जानकर काफी आश्चर्य होगा कि इस यात्रा में सवारिया के रूप में 25 किलो चिट्टियां भेजी गई थी। दरअसल ब्रिटेन के राजसी विमान का वाहक उस दौरान इंपीरियल एवरेस्ट था, और इसके द्वारा चिट्टियां लंदन से कराची लाई गई थी। इन चिट्टियों को ले जाने का काम ही टाटा एयरलाइन के द्वारा किया जाता था। इसके चलते टाटा एयरलाइन के लिए प्रथम व्यावसायिक वर्ष 1933 का हुआ करता था। टाटा एयरलाइन का नाम काफी तेजी से बढ़ रहा था। इसके चलते ही एक साल के दौरान ही टाटा एयरलाइन के द्वारा 1,60,000 मील की उड़ान भरी गई। टाटा ने इस कंपनी को 2 लाख में खड़ा किया था, और एक साल के अंदर टाटा एयरलाइन को 155 पैसेंजर के साथ ही 11 टन से अधिक डाक भी पहुंचाने का काम किया। इसके काम को देखते हुए टाटा एयरलाइन के द्वारा नियमित डाक पहुंचाने का काम भी किया जाने लगा। टाटा एयरलाइन को उस समय एक चिट्ठी के लिए 4 आने दिए जाते थे। यहाँ तक कि उस वक्त जो सरकार देश पर राज कर रही थी, उसके द्वारा भी जेआरडी टाटा को किसी भी तरह की वित्तीय मदद नहीं दी गई थी। 15 अक्टूबर 1962 के दिन जब एयर इंडिया की 30वीं बरसी मनाई जा रही थी, उस दौरान भी प्लेन को जेआरडी टाटा ने ही उड़ाया था, और यह सफर कराची से मुंबई का था। यही नहीं, एयर इंडिया की 50वीं बरसी के दिन जेआरडी टाटा ने एरोप्लेन को कराची से मुंबई तक उड़ाया था। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि मिट्टी के मकान में कैसा होता था टाटा एयरलाइन का संचालन। दोस्तों, जब टाटा एयरलाइन की शुरुआत हुई थी, उस दौरान इसका संचालन मुंबई के जुहू के इलाके में समीप ही मौजूद एक मिट्टी के मकान से किया जाता था। यह उस समय केवल एक मैदानी था, जिसका इस्तेमाल टाटा एयरलाइन के विमान रनवे के रूप में करते थे। यहाँ तक कि जब बारिश का मौसम आता था, तो यह मैदान पानी से भर जाता था, और विमानों को काफी समस्या आती थी। उस समय टाटा एयरलाइन पर छोटे सिंगल इंजन वाले 2 जहाज हुआ करते थे, और इन्हें उड़ाने के लिए 2 पायलट और 3 मैकेनिक भी थे। जब मैदान पानी से भर जाता था, तो एयरलाइन का संचालन पुणे से हुआ करता था। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि एयर इंडिया का प्राइवेट कंपनी से सरकारी कंपनी बनने तक का सफर। दोस्तों, यह वो समय था जब भारत में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में भारत फिर से एयरलाइन की शुरुआत करने में लगा हुआ था। इसी दौरान ये सतत एयरलाइन सर्विस शुरू होने पर टाटा एयरलाइन का नाम एयर इंडिया कर दिया गया, और साथ ही इसे प्राइवेट से सरकारी कंपनी बना दिया गया। जब देश को साल 1947 में अंग्रेजों से आजादी मिल गई, तो सरकार को एक नेशनल एयरलाइन की भी जरूरत थी, और इस समय एयर इंडिया को उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन था। इसलिए एयर इंडिया में भारत सरकार के द्वारा 49% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया गया। यही नहीं, जब साल 1953 के दौरान भारत सरकार के द्वारा एक कारपोरेशन एक्ट लाया गया, तब उन्होंने टाटा ग्रुप से इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को और भी बढ़ा दिया, और इसी तरह एयर इंडिया एक सरकारी एयरलाइन कंपनी बन गई। हालांकि अब वापसी एयर इंडिया की टाटा ग्रुप में हो गई है। दोस्तों, अब हम जानते हैं एयर इंडिया के लोगो के बारे में। इस एयरलाइन का लोगो एक लाल रंग का उड़ता हुआ हंस था। इसके साथ ही आपको इस लोगो में ऑरेंज कलर से कोणार्क चक्र भी दिखाई देंगे। एयर इंडिया की खास पहचान इसका शुभंकर महाराज है, जिसे पहली बार साल 1946 में देखा गया था। दोस्तों, अब 68 साल बाद एयर इंडिया की वापसी टाटा ग्रुप में हो चुकी है। दोस्तों, क्या ये कंपनी टाटा ग्रुप अच्छे से संभाल पाएगा? इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।